दोस्तों, अगर एक बजट के अंदर आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला मशीन चाहिए तो शायद पल्सर 180 से बेटर ऑप्शन आपको कोई मिल ही नहीं सकता। बस एक इसका ऑल्टरनेटिव है अपाची आरटीआर 180, जो कि इससे कुछ हद तक ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो पल्सर के जो पार्ट्स हैं, जो स्पेयर्स हैं, वो बहुत अवेलेबल आपको मिल जाएगा। एंड भले ही 180 अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन बाद में वो फिर से लॉन्च कर सकता है, ऐसा न्यूज़ है। एंड अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी सही वक्त है आप कि ये गाड़ी ले ले। कई सारे शोरूम्स में इसका स्टॉक अभी तक है, तो आप जल्दी से अगर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं, जो भी स्पेयर्स हैं, इसका जो सर्विसिंग है उसमें, उसको लेके कोई भी आपको दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पल्सर UG5 से सारे जो पार्ट्स हैं, जो स्पेयर्स हैं, ये शेयर करता है। एंड आपको इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो भी कुछ है, उसको लेके कोई भी दिक्कत लेने का, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले। दोस्तों, अगर सामने से देखें तो कंप्लीट UG5 में जो लुक्स है, उसी लुक्स के साथ ये आता है। UG5 का लुक्स इसी से लिया गया है। आपको DC हेडलैम्प विथ ट्विन बल्ब लैम्प्स आपको मिल जाता है। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। ब्लैक एक विंडस्क्रीन दिया गया है विंड डिफ्लेक्ट करने के लिए। एंड दोस्तों, इसका जो हैंडल बार्स है वो क्लिप ऑन हैंडल बार्स है। एंड दोस्तों, इसका अगर मीटर कंसोल को देखें तो आपको कंप्लीट डिजिटल एनालॉग एक मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि आप शायद पहले भी देख चुके हैं सारे पल्सर्स में। इसमें आपको एक RPM मीटर, स्पीड इंडिकेटर, ट्विन ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, फ्यूल लेवल, साइड स्टैंड इंडिकेटर और जो भी नेसेसरी इंडिकेटर्स है, जैसे कि न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर्स, बैटरी इंडिकेटर, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बैकलाइट स्विचेस दिया गया है, जो कि रात को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको इंजन किल स्विच, पास लाइट स्विच आपको मिल जाता है। कंप्लीट एक ब्लैक फिनिश में ये दिया गया है दोस्तों। एंड इसका जो मिरर्स है, उसका भी फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों, लेजर एज ग्राफिक्स इसमें यूज़ किया गया है, जो कि पल्सर का आउटगोइंग मॉडल में है। एंड इसका 15 लीटर्स का टैंक, एक बड़ा सा टैंक इसमें दिया गया है, ताकि आपको बार बार फ्यूल को भरवाना ना पड़े। एंड इसमें स्प्लिट सीट्स दिया गया है, जो कि बोथ राइडर एंड पिलियन के लिए कंफर्टेबल रहेगा। पीछे स्प्लिट ग्रैब रेल्स अगेन एक स्पोर्टी अपील देता है। एंड पीछे उसके भी पीछे एलईडी जो टेल लैम्प्स है पल्सर का, वो आपको मिल जाता है विथ फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको 180 का लोगो मिल जाएगा दोस्त। एंड दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस बाइक को लेके ये एक बहुत ही हिट बाइक है कॉमन लोग में। और दोस्तों, अगर इसका हम इंजन को देखें तो इसमें 180 सीसी का इंजन पल्सर ने, बजाज ने यूज़ किया है। एंड ये है एक टू वेल्व एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTSI BS4 इंजन, जिसमें एग्जॉस्टिक का और ट्विन जो स्पार्क प्लग है, इसका यूज़ किया जाता है। इसका टोटल पावर है 17 PS एंड टॉर्क है 14.22 न्यूटन मीटर्स। दोस्तों, अगर इसका हम एग्जॉस्ट को देखें तो एग्जॉस्ट में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, एग्जॉस्टिक ब्रांडिंग के साथ साथ। एंड ये आप इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं दोस्तों। दोनों ही तरफ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है। सामने आपको 90x90 का 17 इंचेस का टायर एंड पीछे 120x80 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। तो सामने से दोस्तों, इसका लुक कुछ ऐसा है। एंड अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी अच्छे इसमें दिया गया है। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद एंटी फ्रिक्शन बुश एंड पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है। ड्यूअल हॉर्न्स इसमें आता है, ताकि आपका हॉर्न जो उसका जो साउंड है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहे। एंड ये जो दोस्तों रेड कलर है, ये बहुत ही अच्छा इसमें दिखता है एंड आपको एक बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस ये दे देगा। दोस्तों, अगर टायर्स की बात करें तो टायर्स तो मैंने आपको कह ही दिया कि इसमें ट्यूबलेस है। एंड जो ब्रेकिंग है दोस्तों, वो इसमें दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। पीछे आपको 230 mm एंड सामने आपको 260 mm का डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है। ABS अभी तक इसमें नहीं है, शायद बाद में आ सकता है। अब अगर नेक्स्ट ईयर में लॉन्च हुआ तो पक्का इसमें ABS आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ABS मैंडेटरी हो जा रहा है। दोस्तों, इसका जो माइलेज है वो आपको 40 से लेकर 45 KMPL के बीच में मिल जाएगा, अगर आप सही ढंग से इस बाइक को राइड करें तो। एंड दोस्तों, इसका जो कर्ब वेट है वो 145 kg से, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक ठाक है। सीट हाइट 785 mm है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है, ताकि कोई भी इसे राइड कर सके। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता है, वो मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।